प्यारे बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का अगला भाग प्रस्तुत करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी पहली वीडियो हरिवंश राय बच्चन भाग एक को देख करके उसे समझ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं भाग दो। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। बच्चन जी इन पंक्तियों में अपने हृदय के उद्गारों की और उस उद्गार के फलस्वरूप जो प्रेम की उत्पत्ति उनके मन में उठती है, जो हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, उस प्रेम रूपी उपहार को लिए जगत में घूम रहे हैं। बच्चन जी को यह संसार अधूरा लगता है। अधूरा लगने का कारण उनकी जो प्रियतमा है वो उनके साथ नहीं है। उनके अभाव में, उनके वियोग में बच्चन जी को ये संसार अधूरा लगता है। बच्चन जी अपने सपनों का एक नया संसार लिए घूम रहे हैं। सपनों का वो संसार जो प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेम से भरा पूरा है। बच्चन जी अपनी प्रियतमा के लिए जो प्रेम अपने मन में, अपने हृदय में लिए घूम रहे हैं, उसी प्रेम की अग्नि में वो लगातार जलते रहते हैं। उसको याद करके वो हमेशा विरह की अग्नि में जलते रहते हैं। फिर भी सुख और दुख दोनों जीवन के दो अन्यतम पहलू हैं। बच्चन जी सुख और दुख को समान भाव से सहन कर रहे हैं। कवि का कहना है कि ये संसार भव सागर तरने को नाव बनाता है, यानी संसार से, संसार रूपी सागर से बाहर निकलने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कवि भव मोजों पर, यानी संसार के, संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्ती के साथ, अपने प्रेम की मस्ती के साथ बहता रहता है। यहाँ पहली जो चार पंक्तियाँ हैं, इन पहली चार पंक्तियों में बच्चन जी अपने हृदय की बात करते हैं, अपने हृदय के उद्गारों की बात करते हैं। और अंतिम चार पंक्तियों में मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। इन चार पंक्तियों में कवि संसार को लेकर के अपनी बात कहते हैं। इन पंक्तियों में, जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया हुआ आपको, कि मध्यम वर्गीय मानव की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं भी हमें इन पंक्तियों में दिखाई देती हैं। तो जो सपनों के संसार की बात करते हैं या संसार की अपूर्णता की बात बच्चन जी करते हैं, तो जो सपनों का संसार है वो मध्यम वर्गीय मानव के सपनों का संसार है। जो अपूर्णता की बात है तो मध्यम वर्ग के जो सपने हैं वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो अपनी अपूर्णता के साथ ही मध्यम वर्ग संसार में अपने जीवन को जीता है, जीवन यापन करता है, और उसे हमेशा ही अधूरापन अपने जीवन में महसूस होता रहता है। तो इस मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ भी हमें इस कविता को जोड़ करके चलना है। अपने सपनों को पूरा न हो पाने के कारण मध्यम वर्ग हमेशा परेशान रहता है, एक दुख की अग्नि में जलता रहता है। फिर भी वो मध्यम वर्ग है, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो अमीर है वो और अमीर और जो गरीब है वो लगातार और अधिक गरीब होते जा रहा है, और मध्यम वर्ग को इन दोनों के बीच में पीसना है। अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वास्तव में मध्यम वर्ग ही चलाता है, उसे चलाना है। तो इसलिए वो अपनी हर परिस्थिति के साथ समझौता करता है, और उस समझौते के कारण वो सुख और दुख दोनों को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान करके उसी में मस्त हो जाता है। बच्चन जी ने जैसे कहा, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी संसार रूपी सागर में जो अपनी
समस्याएं हैं, उन समस्याओं से पार निकलने के लिए, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए संसार के लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। नाव बनाने का मतलब है समस्याओं को दूर करने के उपाय करना। लेकिन बच्चन जी कहते हैं कि मैं भव मोजों पर, संसार रूपी सागर की लहरों पर मैं मस्ती में बहता रहता हूँ, अर्थात जीवन जैसे चल रहा है मैं उसको वैसे ही चलने देता हूँ। मध्यम वर्ग का जो जीवन है वो भी ऐसा ही होता है, उसके जीवन में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, वो उसी को स्वीकार कर लेता है और चुपचाप समय की धारा के साथ बहने लगता है। हालांकि वो बहुत से प्रयास करता है, नाव बनाता है, लेकिन उसकी नाव भव सागर की लहरों में ही फंसी रह जाती है, बहुत कम लोग किनारे पर पहुंच पाते हैं। तो ये था दूसरा स्टेंजा। ये जो पीले रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, उर इनका अर्थ, शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं। उर मीन्स हृदय का उद्गार, दिल के भाव, उपहार यानी जो भेंट, हृदय में जो प्रेम रूपी भेंट है, भाना भाता भाना, अच्छा लगना, सपनों का संसार यानी कवि की कल्पनाओं की दुनिया, दहना जलाना, दाह जो होता है दहन, दहन से दहा, भव सागर संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार है, मोजों मोज लहरें को कहते हैं, तो भव मोजें यानी संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि अपने मन की भावनाओं को, अपने हृदय के उद्गारों को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के उपहार मिले हैं, उन्हें वह अपने साथ लिए फिरता है। कवि को यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह संसार उसे पसंद नहीं है। कवि अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता रहता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर कवि के जो सुख दुख आते हैं, कवि उन्हीं में मस्त रहता है। यह संसार आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। ये कवि के संदर्भ में हमने बात कही और मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में हमने अभी आपको बताया ही है। कवि ने यहाँ प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रमुखता है, क्योंकि आत्म परिचय कविता है, कवि अपना परिचय दे रहा है, लेकिन उस व्यक्तिवादी में भी समष्टिगत प्रयोग कवि ने किए हैं। सपनों का संसार में अनुप्रास अलंकार है, भव सागर और भव मोजों में रूपक अलंकार है, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है, तत्सम शब्दावली है, मैं शैली का प्रयोग कवि ने किया है और स्वाभाविक रूप से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। आइए इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखते हैं। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है और कवि व्यथित क्यों है? निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है? संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, रस एवं अलंकार संबंधी सौंदर्य बताइए, प्रयुक्त भाषा शिल्प पर टिप्पणी कीजिए। तो आइए हम पहले पहला प्रश्न देखते हैं। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? कवि के हृदय में एक विशेष अग्नि, प्रेम अग्नि, प्रेम की अग्नि जल रही है। कवि प्रेम की वियोगावस्था में होने के कारण व्यथित है। प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कवि व्यथित क्यों है, तो प्रेम की विरह अवस्था में, प्रेम की विरह अग्नि में जलने के कारण कवि व्यथित है। निज उर के उद्गार और निज उर के उपहार से कवि का तात्पर्य है। निज उर के उद्गार से अर्थ है कवि के अपने हृदय की भावनाएं, और निज उर के उपहार से कवि का तात्पर्य है कवि के जीवन में जो खुशियां हैं जिन्हें वे संसार को बांटता है।
कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? कवि को संसार अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। ये संसार बनावटी है, झूठा है, संसार में छल है, फ्रेब है, तो इसलिए कवि इस संसार को पसंद नहीं करता है। कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है? कवि संसार को अधूरा क्यों मानता है? कवि की जो प्रेयसी है अब इसके पास नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, जिस कारण कवि को संसार अरुचिकर लगता है। यही कारण है कि कवि संसार को अपनी प्रिय के बिना अधूरा मानता है। संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, संसार में रहते हुए हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में अनेक कष्ट हैं और उन कष्टों को सहना ही पड़ेगा, इसलिए मनुष्य को हंसते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य का मतलब होता है विचार। कविता में या काव्यांश में प्रमुख रूप से किन विचारों को कवि ने प्रस्तुत किया है, तो विचारों के कवि के मुख्य भाव को बताना है, वो भाव सौंदर्य होता है। तो कवि के इस काव्यांश में प्रेम की दीवानगी को व्यक्त किया है। कवि उस प्रेम के चलते हर स्थिति में मस्त रहने की बात करता है। वह संसार के कष्टों में भी मस्ती भरा जीवन जीता है। रस एवं अलंकार, हम ऊपर भी इसका जिक्र कर चुके हैं। कवि ने इस काव्यांश में, इस पूरी कविता में ही श्रृंगार रस के अभिव्यक्ति की है। भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। नाव और अग्नि में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। दोनों में मग्न रहा करता हूँ मैं अनुप्रास अलंकार है। भावानुकूल, सहज और सरल खड़ी बोली में सजीव अभिव्यक्ति कवि ने की है। यहाँ हम उसके भाषा शिल्प की बात कर रहे हैं। भाषा में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है और प्रवाह में ही भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। भाषा में गेयता का गुण विद्यमान। तो इस प्रकार ये स्टंजा आपने समझा। अब आइए कविता का तीसरा स्टंजा हम समझते हैं, तीसरा काव्यांश हम लेकर के चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न जग क्या जो इस पर भी न सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान पुराना। यौवन का उन्माद यानी जवानी का पागलपन, उन्माद मीन्स नशा, पागलपन। अवसाद, अवसाद मीन्स दुख, उदासी, खेद। नादान, नादान मीन्स ना समझ। दाना, दाना मीन्स ज्ञानी, चतुर। मूड, मूड मीन्स मूर्ख। यहाँ हमने दिया उन्मादों में अवसाद की जब बात करता है, तो उन्मादों में अवसाद का मतलब यत्न करना, प्रयास करना। उस उन्माद में जो हम प्रयास करता है कवि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए और सफल नहीं हो पाता है, तो उससे वो दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो उन्मादों में अवसाद। तो आइए हम देखते हैं कवि ने किस प्रकार इन काव्यांशों में, इन पंक्तियों में अपनी बात कही है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहता है कि मैं अभी युवा हूँ और जो जवानी का जो नशा है, जवानी का जो पागलपन है, वो अभी मेरे अंदर भरा हुआ है और उस पागलपन में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जैसा कि आप सभी युवा हैं और आपके अंदर एक जोश होता है और उस जोश में आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे तो पहाड़ भी ला सकते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे परे होती है। कभी भी जोश तो रखता है लेकिन जब उस जोश में कभी कुछ कर नहीं पाता तो उसे अवसाद घेरने लगता है, वो दुख से घिर जाता है, दुखी होने लगता है। कवि कहता है जब मेरी प्रेमिका की जो याद है, अपनी प्रियतमा की याद में मैं ऊपर से प्रसन्न दिखाई देता हूँ लेकिन उसकी जो याद है मुझे भीतर ही भीतर रुलाती रहती है। कवि फिर से इस बात को कहता है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं दीवाना हो गया हूँ,
लेकिन कवि की जो दीवानगी है वो दीवानगी किसके लिए है? अपनी प्रियतमा के लिए। उसकी याद में कवि फिर रहा है। कवि ने बहुत से प्रयास किए उसकी याद को दूर करने के लिए, बहुत से यत्न किए, लेकिन किसी भी प्रकार के यत्न से कवि का प्रियतमा से मिलन नहीं हो पाया। यहाँ दूसरी तरफ संसार की तरफ भी हम देख सकते हैं, कवि संसार की तरफ भी इस बात का इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि दुखों को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किए, संसार में दुखों को त्याग कर केवल सुख ही सुख हो, प्रसन्नता ही हो, चारों तरफ खुशहाली हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सत्य यह है कि सुख और दुख दोनों जीवन में रहते हैं, और वास्तविकता तो यह है कि दुख का जो समय है बहुत लंबा होता है और सुख का समय क्षणभंगुर होता है। इसलिए हम सुख को जी भरकर जीने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। अर्थात कवि के अनुसार इस दुनिया में जब पता है, सब लोग जानते हैं कि सुख और दुख से हम परिपूरित रहेंगे, दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मूर्खता करते हैं उससे भागने की। लेकिन वहीं कुछ विद्वान लोग भी हैं, दाना दाना में चतुर ज्ञानी ज्ञानी लोग भी हैं, जो अपने दुख पर संसार पर विजय पाने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। वो सुख और दुख दोनों में तटस्थ हो जाते हैं, समान रहने लगते हैं। सुख उनको उद्वेलित नहीं करता और दुख उनको अवसादित नहीं करता। कवि कहता है, क्या ये संसार के जो लोग हैं मूर्ख नहीं है? मूर्ख क्यों है? क्योंकि जब संसार के लोगों को पता है कि सुख और दुख जीवन के अनन्य पहलू हैं, तो हमें उन्हें स्वीकार करना ही होगा। फिर मूढ़ ने क्या जो जग इस पर बीने सीखे, फिर भी यह संसार इस बात को समझ नहीं पाता है। कवि कहता है कि मैंने संसार से बहुत कुछ सीखा, प्रेम के जो चलते मैंने जो ज्ञान ग्रहण किया, मैं अब उन सब चीज़ों को भुला कर केवल प्रेम में जीवन को याद रखना चाहता हूँ, प्रेम की मस्ती में रहने का प्रयास करना चाहता हूँ। आइए इसको एक बार पूरा व्याख्या को देखते हैं। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का जो नशा है, यौवन का जो पागलपन है, वो सवार है। कवि उस पागलपन की मस्ती में घूमता है। अपने इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख मिलते हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। अर्थात कवि अपने यौवन के उन्माद से उत्पन्न अवसाद को अपने जीवन में लिए फिरता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो पड़ता है। अर्थात अपने प्रिय की याद आने पर कवि मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की है, परंतु कोई भी सत्य जान नहीं पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख नादान भी वहीं होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर लोग होते हैं। अर्थात इस संसार में मूर्ख और ज्ञानी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग विलास की सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूल कर नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूल कर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। जैसे पहले बताया, पहली चार पंक्तियों में कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है, अपने बारे में बताया है, और अंतिम चार पंक्तियों में सांसारिक जीवन को बताया है। उन्मादों में अवसाद विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ कि आवर्ती से गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना एक सूक्ति की तरह प्रयोग किया गया है। सूक्ति जैसा प्रभाव यहाँ इसका स्पष्ट होता है। मैं शैली और खड़ी बोली का प्रयोग है। आइए इस काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। यौवन का उन्माद से क्या तात्पर्य है?
कवि की मनस्थिति कैसी है? नादान कौन है और क्यों? संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है? कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहा है? आइए इनके उत्तर जानते हैं। यौवन का उन्माद। कवि प्रेम का दीवाना है, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है, परंतु उसकी प्रिया उसके पास नहीं है, जिस कारण उसका जीवन निराशा से भरा हुआ है। कवि की मनस्थिति कैसी है? कवि संसार के समक्ष तो हंसता दिखाई देता है, परंतु अंदर से वह रो रहा है। उसे अपनी प्रिया की याद आ जाती है, इसलिए उसकी जो मनस्थिति है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। नादान कौन है और क्यों? कवि के अनुसार वह व्यक्ति नादान है जो यह जानता है कि यह संसार अपूर्ण है, शाश्वत नहीं है, फिर भी वह अपने लिए धन वैभव को खोजता फिरता है, अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए फिर रहा है। कवि संसार के बारे में क्या कह रहा है? कवि संसार के बारे में कहता है कि यहाँ लोग जीवन सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु वे कभी सफल नहीं हुए। जीवन का जो सच है आज तक कोई जान नहीं पाया है। कवि के अनुसार सीखे ज्ञान को भूलना क्यों जरूरी है? कवि अपने सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहा है? कवि संसार से सीखे ज्ञान को भुला रहा है क्योंकि सांसारिक ज्ञान से कवि को जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए कवि सांसारिक ज्ञान को भूलकर नया ज्ञान सीख रहा है, जिससे वे अपने मन के कहे अनुसार अपनी मर्जी से अपने अनुसार अपने जीवन को जी सके। तो ये थी इन दो काव्यांशों की व्याख्या। आपको अगर कहीं भी किसी भी स्थल पर ऐसा लगता है कि इसमें हमें ये बात और स्पष्ट करनी चाहिए, या आपको कोई प्रश्न मन में उठता है, या आपको इनके अतिरिक्त और किन्हीं प्रश्नों का आपके मन में जिज्ञासा उठती है, आपके मन में प्रश्न उठता है, तो आप हमें कमेंट में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, हम उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में उनको भी हम शामिल करेंगे।